आईपीएल 2022 का शेड्यूल आ चुका है और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे आईपीएल ऑक्शन हुआ था, कुछ लोगों के लिए खुशियाँ आई थी, साथ में पैसे भी आए थे, कुछ लोगों के लिए निराशा आई थी, अनसोल्ड रह गए थे, उनका खेलने का आईपीएल का सपना अधूरा रह गया था। देखिए, एक बात मानो या ना मानो, हर क्रिकेटर का सपना होता है नेशनल तो खेलना ही है, लेकिन साथ ही साथ आईपीएल का भी हिस्सा बनना है। तो अब जो प्लेयर रह गए थे उनके लिए क्या, तो उनके लिए हमने एक खास इंतजाम किया है और वो है ये टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट होगा कि वन मैच वंडर रहकर रह जाएगा, वो आप लोगों के रिस्पांस पर डिपेंड करता है। मैं पहले ही लाइक गोल के बारे में बात कर देता हूँ, 1500 का लाइक है, अगर ये 1500 लाइक पूरे हो जाते हैं तो हम इसको बेस्ट ऑफ थ्री बनाएंगे, वरना ये बेस्ट ऑफ वन रह जाएगा। अब बात करते हैं कि है क्या पूरा का पूरा गेम, और वो है ऊपर आप देख सकते हैं दो टीमें यहाँ पर, आईवीजी एक्सपेंसिव प्ले आईपीएल 11 और आईवीजी अनसोल्ड आईपीएल 11। जी हाँ, आईपीएल के जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे शुरू के टॉप 15-16 लगभग इसके आसपास, उसकी हमने प्लेइंग 11 बनाई है। कोशिश की है कि बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपर्स तीनों का मिश्रण बना रहे, ऐसा ना हो कि चार मालूम पड़े दो ही गेंदबाज लेके खेल रहे हैं, तो ये सब नहीं किया है मैंने। और साथ ही साथ आईपीएल अनसोल्ड 11 की भी मैंने एक बनाई है टीम। आज के वक्त जितना रिकॉर्ड हुआ है, जितने प्लेयर को, कई प्लेयर को अभी भी मौका मिल सकता है खेलने का, उनका मैं नहीं बता सकता, अभी आपको टीम दिखाता हूँ, आपको आइडिया मालूम पड़ेगा। दोनों तरफ आप देख सकते हैं वो प्लेयर्स जो कि इस टीम का हिस्सा है। मैं बता दूँ प्लेइंग 11 अलग हो सकती है, यहाँ पर आप दोनों तरफ टीमों को कंपेयर कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में आपको बाद में दिखाता हूँ। अगली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टूर्नामेंट का नाम। भाई मैंने सीरियसली सोचा नहीं था, मैंने अभी के लिए आईवीजी हाना आईपीएल रख दिया है। अगर आप लोगों को रखने का मौका मिलता तो आप लोग क्या रखते, कमेंट करके जरूर बताना, इंटरेस्टिंग नाम, मजा आएगा पढ़ने में। सबसे बड़ा सवाल, टीम कौन सी बनेंगी? अब भाई देखिए, आईवीजी एक्सपेंसिव आईपीएल 11 है, वो तो हम देखने ही वाले हैं प्लेयर को, तो मैं जा रहा हूँ आईवीजी अनसोल्ड आईपीएल 11 के साथ। आई नो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बारे में कि दोनों टीमों का यूनिफॉर्म कैसा होगा। कप्तान की बात कर लेते हैं, एक्सपेंसिव 11 को लीड कर रहे हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर, और अनसोल्ड को लीड कर रहे हैं इयॉन मॉर्गन। मेरे पास आरोन फिंच का भी ऑप्शन था लेकिन मैं गया हूँ इयॉन मॉर्गन के साथ। चलिए मैदान की बात कर लूँ, ढाका का मैदान है, डिफिकल्टी हमारी इजीएस्ट रियलिस्टिक वाली है, और ये यहाँ पर यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का लगता है। मैं ये कट सीन हटाना नहीं चाहता था वीडियो में से, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब अच्छी तरह से देख सकते हैं, बाकी तो फिर हाईलाइट फॉर्म में आएगा तो आप मिस कर जाएंगे काफ़ी, लेकिन इस तरह से फुल लुक आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्लेइंग 11 क्या है? ये है प्लेइंग 11, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने कैमरा को ऊपर रख दिया ताकि आप पढ़ पाए दोनों टीमों को। आईवीजी एक्सपेंसिव 11 वन द टॉस, हेड्स का कॉल था हमारी तरफ से, अनसोल्ड 11 की तरफ से, और बॉलिंग के लिए आ रही, हमें फर्स्ट बैटिंग इनविटेशन दिया। ढाका का मैदान हमने लास्ट टाइम खेला था, बहुत बड़ा था, मजेदार मैच होगा इस बार। पहली ओवर के लिए हर्षल पटेल और कॉल कैंसिल। फिंच, यॉर्कर लेंथ गेंद, अभी मैं अग्रेशन नहीं दिखा रहा, 20 ओवर का मैच है, लंबा मैच है, इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। यहाँ पर चेज करता हुआ फील्डर, 2 रन, खाता खुला है। आप लोगों को किस टीम का यूनिफॉर्म सबसे अच्छा लग रहा है? डॉट फिंच ऑफसाइड पर गैप और मिस फील्डिंग के बदौलत मिलता हुआ। चलो, 4 अभी भी नहीं आए, शॉट्स भी मेरे ठीक ठाक ही थे तो डिजर्व भी नहीं करते। 3 रन यहाँ पर, जुदिन यहाँ पर ओपनर है, देख सकते हैं आप, और चौका इनके बल्ले से। ये बात, टारगेट क्लियर है मेरा कि गैप्स निकालने, और ठीक है क्विक सिंगल, भाई हर बार की तरह दाव नहीं, थर्ड एम्पायर जाएगा लेकिन आउट नहीं है, क्योंकि अगर आउट होता तो अपील भी होती, मोस्टली यही रहा है फंडा, नॉट आउट। क्या बोला था, यॉर्कर और बॉटम एज, रबाड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉल टू बॉल ला रहा है मैच को। ये 4, क्या 6 का चांस बन सकता है यार? एडवांस शायद नहीं लेना था मुझे, अरे मुझे लगा शायद एडवांस लगा दूं, मजा आ जाएगा देखने में, लेकिन मिस हो गया पूरी तरह से। पिछला हुआ 10 रन ओपी का, अरे पीपी का, और अरे एचपी का, ओ अपील हो गई है यार, एचपी ओपी पीपी में मैं रह गया क्या यार। आउट देखो, मोस्टली रूल के हिसाब से मैं कहता हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जनरली आउट होता है जब अपील होती है, तो आउट ही, मैं तो आउट ही लेके चला, चिल्ला दिया भाई, चिल्ला दिया किसी ने, पहले ही पता लग गया आउट। आरोन फिंच, फिर मेरी पहली विकेट रन आउट से गई। अब आ रहे हैं सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल कगिसो रबाड़ा, वाइड गेंद आई थिंक, बहुत दूर है, इस देर तो विकेट्स बिल्कुल नहीं गंवानी। पेस कम था क्या, 147, इसको पेस कम कहते हैं, तो भाई मैं चाहता हूँ कि मैं भी कम पेस से गेंदबाजी करूँ। 2 रन, 13, मैं तेरा। ये तो वनडे बना दिया भाई हमने, शॉट चाहिए कुछ बड़े, क्या फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छा कर दिया फील्डर्स को,
सर थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा, एक्चुअली गेंद ही अवॉइड कर रही है मेरा बैट. इनसाइड एज रैना, मिस फील्डिंग हुई है. एक तो ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं, रहने दो यार. हाना हाना चलता रहा, नहीं लिया. साथ ही साथ जो अनसोल्ड प्लेयर रहे हैं वो क्यों अनसोल्ड भी है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है. डॉट फिर से कैप जा ही नहीं रहे. नंबर तीन गेंदबाज जेसन होल्डर, फर्स्ट बॉल डॉट यहाँ पर. 12-11 का रन रेट, गिरते 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 सिक्स पे आ गया है. दो रन यहाँ पर. रैना रिस्क की तरफ, रनिंग की स्लो है इनका. वो बच गए, कीपर ने भी जाने दी थी गेंद. और ये क्या कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर पे अजर बच गए. स्ट्रेट मस्त मौका है खेलना यार. ओए स्टंप्स बीच में आ गए, क्या बदकिस्मती है. आइडियल था सब कुछ यार, चार कंफर्म था. अगले गेंदबाज दीपक चार, एक और नया गेंदबाज यहाँ पे आता हुआ. मैं सोच रहा हूँ लेट कट करूँ, लेकिन ये गेंदे आगे डाल देते हैं. पॉइंट पे फिर जिंदाबाद, एक बार शॉट दो बना दे. चलो बॉलर पे थ्रो आता हुआ, पॉइंट पर से आ रहे हैं वो, सेंटर से ही. पॉइंट कवर पे जो गैप है उसे उधर से ही रन आ रहे हैं. मिड ऑफ से उम्मीदें, बाउंसर गेंद से स्वागत किया. शार्दुल ठाकुर, एक और नया गेंदबाज यहाँ पे आता हुआ. साइड में चेंज और बहुत ही अच्छी आउट स्विंग, बीट पूरी तरह से. यॉर्कर उम्मीद है चार की, शॉट्स प्रॉपर नहीं लगा है. रन आउट का चांस होता हुआ, रनिंग बहुत ही खराब और थ्रो उससे भी गया गुजरा. आउट था भाई इस बार तो. मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पता नहीं क्यों. शॉट लेने के बाद बहुत धीरे दौड़ रहे हैं यार, इसीलिए अनसोल्ड रह गए क्या सब प्लेयर. फिर यॉर्कर टाइमिंग, मिस फील्डिंग, ओपी फील्डिंग चल रही है यहाँ पे. रन नहीं ले दिया, मेन बात यह है कर नहीं मिस करनी अब. और सिक्स, फर्स्ट बॉल लॉफ्टेड मैच का जो छे दे रहा है सीधा रैना के बल्ले से. रैना से अब रहा नहीं गया भाई, अब मार ही दिया इन्होंने स्क्वायर से स्लॉट में. और हिट किया है उसको कवर पर से रीजन में. चार रन का सवाल है. आखिरी वक्त में फुल एफर्ट लगाया, डाइव तक लगा दी फील्डर ने, एक्सपेंसिव 11 की, लेकिन नाकामयाब. चार रन रैना के नाम. फिर बाउंसर भाई, एक बार बीट करा दिया मतलब हर बार कराओगे क्या. ओए बॉलर पे दे रहा है, बच गया, बॉलर बीच में आ गया. फ्लावर चार, इस बार आउटसाइड एज. छह रन पांच गेंदों में, 50 की पार्टनरशिप बन चुकी है. अब कितना यहां से रन जोड़ते हैं. यहां पर ये हुक आता हुआ, रैना एक बार फिर चलते हुए और बाउंड्री के पार भेजते हुए गेंद को. अजर के बल्ले से एकाध बाउंड्री तो बनती है बॉस, यहाँ कनेक्शन ही नहीं बन रहा. बाउंड्री तो बनने की बात दूर है. और कराइए, हिट कर दो, हिट कर दो. और ये बनता हुआ सुपर हिट सिक्स, अजर के बल्ले से बहुत देर बाद आया. रन रेट 100 का, स्ट्राइक रेट 100 करने वाले हैं पहले तो. जेसन होल्डर रिटर्न्स, 8 रनों का रहा था ओवर. ये शॉट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेट कट कर रहे थे कीपर के सर के ऊपर से. अजर से थोड़ा सा अग्रेसिव खिला रहा था और अर्ली शॉट में फंस गया. पेस और कम करते हुए 130 तक ले गए थे जेसन होल्डर, हमने पेस को पढ़ा नहीं था, आउट कैच दे दिया. इससे पहले शार्दुल ठाकुर ने कोशिश की थी पेस वेरिएशन कम करने की और कैच भी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. यहाँ पर पहली गेंद डॉट और विकेट यहाँ पर रजत पाटीदार का. जेसन होल्डर का आना और बल्लेबाजों का जाना चालू हो चुका है यहाँ पे. मैं मानता हूँ तेवटिया वाला थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है, कोई नहीं अगले मैच में हम सुधार लेंगे. अगर अगला वीडियो आता है इसका मैच नंबर 2, फिर से बढ़िया कैच. तेवटिया है तो स्पिनर, लेकिन आज कीपिंग एरिया में जंप करा रहे हैं. डेविड मलन नेक्स्ट खिलाड़ी अनसोल्ड 11 की तरफ से, हैट्रिक में नहीं है. फिर यही अननेसेसरी का लेट कट शॉट लेते हुए, और ये मैं नहीं ले रहा, पता नहीं गेम खुद ही लॉजिक लगा ले रहा है अपने दिमाग में. एक और कराई है पर अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर टॉगल कर दिया था, मतलब कि तेज खेलेंगे पर लॉफ्टेड नहीं खेलेंगे. हुआ भी यही, पूरा फ्लैट शॉट, चार रन किया नहीं है. लॉफ्टेड लेते हुए गेंद थोड़ा दूरी से बच गया, दो ले रहे हैं हम लोग. काफी बड़ा रिस्क लिया है मैंने यहाँ पे, मेरे को लगता है शॉक में चले गए थे फील्डर कैच ड्रॉप करने के बाद. फिर ओवर थ्रो, तीन रन, चार के मूड में है. चार रन, नहीं 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 नहीं, चार रन निकाल लिए रैना ने, 50 कर दिया. एक रन नहीं था यहाँ पर, एक रन नहीं था, कैच था, ड्रॉप किया, दो तीन चार निकाल दिए भाई. मूवमेंट ऑफ द डे अभी तक का, क्या करे, स्ट्रेट ले क्या शॉट. तो पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा तो भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेट शॉट ले क्या, आदत हो गई. दो रन सुरेश रैना के पास, फिर कुछ बड़े रन बनाने का. स्विंग करती ठाकुर की गेंदों का कोई जवाब नहीं, ना बल्लेबाज ना कीपर. चार रन स्विंग करता हुआ बाय के रूप में, फायदे मेरे को हो गया लेकिन
ऐसी गेंदें डालें बल्ले गेंदबाज तो मजा आ जाए। फील्डिंग काफी ज्यादा डिफेंसिव और शॉट मिस फील्डिंग। चलो भाई निकालो तीन नहीं दो तो आएगा ही, दो तो आएगा ही। मिस फील्डिंग के बाद फिर एक्स्ट्रा जोड़ते हुए हम सामना होगा रबाड़ा के सामने। और सिक्स रैना का यॉर्कर लैंड गेंद पे, काफी दूर था, समझदारी गेंद वाली गेंद थी, दूर रख रहे थे पर रैना भाई आई सेट कर चुके हैं। और एक और खेल तो दिया है पर फील्डर वहां नजर में आ रहा है, फील्डिंग नहीं कर पाया। चार रन यहां पर रैना के नाम, एक बार फिर गेम ऑन होता हुआ। सिक्स भाई सिक्स 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 सिक्स, हाँ इसे बोला ही नहीं मैंने, फोकस गेम पे था। छह एक और आखिरी गेंद, बच भी गए और ठीक है एक ही निकाल रहे हैं हम। स्ट्राइक रहना के पास 76 में हर्षल पटेल और इनसाइड एज की मदद से कुछ ज्यादा नहीं, जितना एक्साइटमेंट से मैंने बोला उतना एक्साइटेड हुआ नहीं कुछ। एक रहा तो मार मारी करना है भाई अब कुछ नहीं। कैच डेविड मलंगोन मिड ऑफ पे, ऊंचा गया नहीं शॉट भाई, सही सीरियसली यार गुड शॉट, इतना अच्छे खेल रहा हूँ मैं, कितने गुड शॉट खेले पर सब कैच आउट हो रहे हैं, सब 38 के करीब गिर रहे हैं, पेस एकदम नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है, पिच का है, गेंद का है कि गेम का है, तीनों में से किसी का तो है कुछ अलग। यॉर्कर दूर थी, अब देखो भाई विजुअल में लग रहा था दूर थी लेकिन आ गई बल्ले के स्लॉट में, गई है सीधा 6 स्ट्रेट में से 80s में एंट्री रैना की। जितनी खराब शुरुआत थी ना मैं झूठ नहीं कहूंगा, किसी को उम्मीद नहीं थी रैना से कि 86 सीधा रोप्स में लगी है गेंद, 6 है मेरे ख्याल से, 91 चार स्ट्रेट में से कैच आउट हुए थे मलन, लेकिन यहाँ पर रहना सीधा खेलते हुए शॉट, आड़ा ताड़ा नहीं गया सीधा चार, 96 झूठ नहीं बोलूंगा पर मैं सेंचुरी को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहता हूँ। अरे यार शॉट ग्राउंड गैप में लग रहा है, पॉइंट पर से चार जाता हुआ 99 रन में पहुंच गए सुरेश रैना। क्रिकेट 22 की मेरी ये पता नहीं भाई यहाँ पहली सेंचुरी है, अभी तक तो हमें हमारे सामने ही होते रही है सेंचुरी, फाइनली हम यहाँ पर सेंचुरी कर रहे हैं, वो भी काफी ऊपर नीचे रही है नहीं। अकर लैन हम भी स्लोअर है क्या भाई, गड़बड़ मत करना, रन हो गए हैं और यहाँ पे सेंचुरी भी पूरा होता हुआ हो गया हो गया, अगर बॉलर पे देते तो फिर पता नहीं क्या होता, लेकिन 56 बॉल्स में सेंचुरी लगा दी है सुरेश रैना ने, 7 चौके 5 छक्के। चलो भाई अब तो हर गेंद जिंदाबाद, इनसाइड है, 4 नहीं मिला था लास्ट टाइम, इस बार 4 मिलता हुआ और एक और अच्छी बात, नहीं 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 चार नहीं है, चार नहीं है, चार नहीं है, तीन है, तीन है, तीन है, 9 बॉल भी है तो चार ही है, मतलब अब क्या बताऊं मैं, लगता है रबाड़ा को 50 करनी है, 46 हो चुके हैं, करा दे 50 प्लीज करा दे यार, फिर भी 9 बॉल दे दे, कैच किया है, 2 निकलेगा, बच गया यार 50 उनका, हम 180 प्लस जा चुके हैं, लास्ट ओवर आता हुआ, स्ट्रेट शॉट, अरे यार स्लो कर दी 129। अरे बहुत रे भाई, पहले एजिस के लिए दुख हुआ फिर बाद में देखा एजिस गैप में गई है, 4 मिलता हुआ तो खुश हो गए। यॉर्कर स्ट्रेट मिल गया स्लॉट में, जाएगा हॉप पार्किंग लॉट में, पार्किंग लॉट में नहीं बाउंड्री लॉट पे। 6 नहीं है, 2 जरूर लेंगे, रैना को रनिंग करनी होगी ओपी क्योंकि बॉलर की तरफ वही है तो, लेकिन बैट कीपर की तरफ ना, 195 भाई, वेरी गुड कमबैक, 70 10 ओवर में और फिर 195 में फिनिश करना, बहुत ही अच्छी बैटिंग अनसोल्ड 11 की, दिल जीत लिया, मैदान में मैच जीतेंगे कि नहीं वो पता लगेगा। शॉर्ट समरी ऐसी है, रैना टॉप रहे हैं, बाकी 33 में 33, अजर अगर थोड़ा सा अच्छा और खेलते ना तो 200 हो जाता। होल्डर सफल गेंदबाज, 196 का चेस करने आ रहे हैं यहाँ पर ओपनर्स, सामना ईशान शर्मा गिद से, हमारी तरफ से ईशान शर्मा ओपनर है, ईशान किशन और लिविंगस्टोन, हम तैयार यहाँ पे, पहली गेंदी लैग और पहली गेंदी नौ बॉल भी, यार क्या नौटंकी हुई मेरे साथ ही कर रहा है, नॉट रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, रन आउट, और ये कर सकता था यार, खाली स्टंप को छू लेना था। चल भाई चल भाई चल भाई, एज रन आउट, रन आउट, यार बहुत रन आउट के मौके हो सकते थे। निशान भाई शॉर्टेस्ट खेले बंदे ने, फाइन लेग से 4, लिविंगस्टोन भी फाड़ू फॉर्म में, 4 रन इम्पॉसिबल रोकना, 4 दूसरी पर भी 4, मतलब पहली पे 9 दूसरी पे 4 फिर 4,
अभी यॉर्कर के हवाले वतन साथियों भैया मैदान अगर वो छोटे वाले होते ना ऑस्ट्रेलिया वाले तो कैच हो जाता। जितना क्रॉस हो सकता है डाल रहा हूँ ताकि मारे तो सीधा कैच पोजीशन में रोक सकते रोक सकता रोक सकता है। कूद जा अबे बाद में नहीं पहले कूदना होता है। बात तो मानी इसने मेरी लेकिन बाउंड्री पे जाने की बात कूदा यार। एंड सेम लाइन थोड़ा ऑफसाइड ताकि हिट कर सके और अंदर एज दे सके लेकिन ये भाई साहब मिडलिंग करते हुए मिड ऑफ से चौके लगाते हुए 7 गेंदे 13 और स्क्वायर से फिर लगता हुआ 4। यार रख दे स्क्वायर अब भूल गया दिमाग से निकल गया था। शर्मा जी ने डाल दी थी नो बॉल और फ्रेहट का सदुपयोग करते हुए लिविंगस्टोन लॉन्ग शॉट 6 रन। टावर 15 का था ये लेकिन लास्ट गेंद पे कैच होते हुए अभी कर ले भाई नहीं तो जाएगा मौका भाई। चलो भाई कम से कम ओवर देना सफल हो गया। विकेट पहला ब्रेक थ्रू दिला दिया और पहला ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट 22 में। लिविंगस्टोन जैसा प्लेयर बकरा बनता हुआ लास्ट बॉल पे 15 मेरे लगता है फिर 15 करने गए थे। अभी थोड़ी तो दिक्कत है दोनों लेफ्टी हैं और नहीं रुकेगा रुक रहा है। अरे 4 पूरन ये भी बहुत भयानक फॉर्म में है हमारे चैनल पर है बीट हुए लास्ट निकोलस पूरन स्ट्रेट ये तो 4 है। ये तो आगे का हिस्सा ना दिखाओ वीडियो में तो भी चले। ओह काफी क्लोज हो गया लेकिन यार ऐड करना पड़ा वीडियो में ये भी पूरन। नहीं जितने भी शॉट लिए ना कवर से इन्होंने वो फील्डर से तो दूर ही खेले हैं। ये अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है एक्सपेंसिव इलेवन की बैटिंग का। 6 लगा दिया है पूरन ने हमारी चांसेस। अरे ला जैसे बुराई करने जाता हूँ अच्छी गेंद कर देता है ये गजब है। 14 गेंदें 19 रन बीट स्विंग की बदौलत शर्मा के 4 ओवर समाप्त हो जाएंगे इस ओवर के बाद। भी डाल दे कैच 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 6 तो ना दी जाए। अरे यार क्या कर सकता है फुल्ले 2 रन अगर रोक लेना ओवर में और रिगिन और डॉट। कुलकर्णी का भी 4th ओवर आ चुका है। वेरिएशन चेंज किए ही नहीं मैं आपको बाकी की गेंदबाजी से मिला ही नहीं पाया। एक काम ये क्या साइड चेंज की दूसरा शांत वाली गेंदे कर रहे लीड कट ले रहा है इसलिए बीट हो रहा है। ओके वो स्विंग कर जा रही है गेंदे लो लेग कट ट्राई की अंदर आएगी बॉलर पे। अरे बॉलर को नहीं बॉलर पे भाई मतलब भाई मैंने गलत कहा बॉल। अमित मिश्रा ओ ये तो नया लुक वाले मिश्रा जी है से समझिए वही लेग स्पिन एडवांस स्टंपिंग कैच आउट स्टंपिंग का तो भाई रिएक्शन इतना गंदा आता है कि स्टंपिंग भूल जाओ आप। बिजली की रफ्तार बहुत रेयर देखने को मिलती है पर अमित मिश्रा जी चमक गए एडवांस में कैच आउट। फील्डिंग नहीं एडवांस मिड ऑफ अगर मान लो फील्डर होता तो क्या होता। अरे कैच होता मैंने लॉन्ग ऑन रखा है 10 पूरा इसको आउट करो भाई मिड विकेट आ गया फील्डर शॉट। अरे यार उसी बॉडी पे लग गया स्लिप डाउन के बॉलर को जाना पड़ा है तब तक 2 आ जाएंगे। अरे ये कहाँ डाल दी भाई गेंद बच जाए तो ही चमत्कार है लंबा चेज होगा फिर भी मैं चाहूंगा 4 रुक जाए तो बड़ी बात होगी। रुक जा रुक गया 3 दे दिया लेकिन उसकी गेंद की कोशिश नाकामयाब पॉइंट से 6-4 भाई। ओवर का बड़ा शॉट भी आ गया लो को कंपेयर कर सकते हैं आप 70 मारे थे हमने इन्होंने मारे हैं 103 विद अ 2 विकेट लॉस के भाई एक बार 6 के नीचे दे दे ओवर रन आउट स्टंपिंग कुछ भी नहीं अयर आउट ना हो तो अच्छा लग रहा है मुझे। अरे लो बेटा क्या कह रहे थे आउट ना हो तो अच्छा यार 6 यहाँ पर इनसाइड आउट खेल गए जो अभी तक आउटसाइड एजेस इनसाइड एजेस बीट हो रहे थे। यहाँ पर अय्यर ने भी लॉकेट खेलना शुरू कर दिया है प्लस पूरा बीट में तो खाली आउट ऑफ फॉर्म चाहिए कोई ऊंचा बहुत है दूरी भी लेगा 6 वाली कोई शॉट नहीं लगे थे पिछली बार एच कॉन लो बेटा स्टंपिंग भी हुआ शायद ये बिजली थोड़ी बहुत थी चली थी रफ्तार। मिश्रा जी ने एक और विकेट निकाला इनसाइड आउट फिर खेलने गए थे भाई मतलब लेग स्पिन ज़्यादा अच्छी चल रही है यहाँ पर। खिलाड़ी शाहरुख खान नो आइडिया कैसे खेलेंगे बीट हो रहे हैं भाई मिश्रा जी फुल फॉर्म में ये अनसोल्ड रहे हैं फिर बीट। ओ भाई साहब जी की गेंदों का तो जवाब ही नहीं है अपील एक बार कर देना ठीक है नहीं डॉट मालूम है रिस्की है लेकिन एक ओवर ट्राई कर रहे हैं हम लोग मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना शाकिब के साथ तीसरा रिस्क नहीं ले सकता था मैं। अरे भाई यहाँ पर पूरन पूरन को आउट करो यार मेन बंदा वही है 4 रन फिर बॉडी से दूर खिलाइए बीट और इस बार बीट कराना
बॉडी पे स्ट्रेट कैच, ये गेम चेंजिंग होगा। बहुत तेज आ रहा है गेम, कूद जाना लेकिन अंदर रखना गेम को, फेंक दे बाहर। मॉर्गन छक्का खा गए यार, रन ने तो जड़ दी। कैच, अबे मुंह उधर कर लिया, तुझे रखा इसलिए कि नजरे रखे गेंद पे। क्या कैच हो सकता था यार, पूरन की तो लग गई 50। 28 गेंदों में ये भी सिक्स है और 55 रन। जब जब बैटिंग में आते हैं पूरा रन रेट खा जाते हैं। मिश्रा जी मैजिक दिखा दो अपना। अरे इस बार मिश्रा जी भी फ्लॉप होने वाले हैं क्या, ऐसा मत करना। 6 रन फर्स्ट बॉल पे, अच्छा पूरन के सामने इस बार पहली गेंद से ही। गेंदें जितनी हो सकती अपनी तरफ से सही डाल रहे हैं, 4 गेंदें डॉट चाहिए, मजा आएगा। 9 रनों का ये ओवर और एक क्लीन हिट यहाँ पर शाहरुख खान का, 1 बाउंस 4 रन। जितना मैं अफसोस करूं कोई मतलब नहीं इसका। भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तेज गेंदबाजी के ओवर खत्म कर दिया ना, पछता रहा हूँ, है ही नहीं कोई। ध्यान नहीं दोगे तो भैया ऐसा ही होगा। फाइन लेग से शाहरुख भाई भाग गए फॉर्म में, 4 लगाते हुए। अब शाकिब कुछ कर दे तो बात अलग है। एडवांस, अरे भाई कहाँ गया, कहाँ गया गेंद, स्ट्रेट 6। सबसे मॉन्स्ट्रस लगा, इतना तेज मारा ना, ऊंचा तो चलो मैं नहीं देख पाया लेकिन तेज बहुत था ये। आ चुके हैं, हिम्मत है नहीं। अब तीसरा बिग हिट, ये कहां से बैटिंग कर रही है। अच्छा ये वो वाला ओवर है 20 प्लस वाला। 5वीं गेंद, पूरन मिड ऑफ पॉइंट से 4। ये क्या बैटिंग करता है यार, 25 में 23 रह गए भाई बॉल। अब देख सकते हैं आपकी ज़्यादा है रन कम, पार्टनरशिप भी बनती है 50 की। 23 कुछ हो सकता है क्या, अरे कैच कैच, ओह एडवांस मिस किया पहली बार इन्होंने। हाल ये कि ना विकेट से हम जीत सकते हैं और ना रनों से। शाहरुख का एडवांस 6, ये तो चाहते हैं कि लगता है पनवेल जाना है इनको, वही पनवेल जाने वाले मूड में आ गए, पनवेल निकलना है 6 इस लेवल पे रहना। कैसे मार रहा है इतना एफर्टलेस, ऐसा लग रहा है मैं इजिस्ट मूड में बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जब हम इजिस्ट में खेलते हैं तो ऐसे शॉट लगते हैं, आड़ा ताड़ा कहीं भी मारो 6, बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे, बस बल्ला बल्ला आड़ा और 6। अरे 22 में 11 भाई, एक विकेट ले ले कम से कम। ये क्या बैटिंग हो रही है, ये कौन सी बैटिंग हो रही है, मतलब पता नहीं भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये अगली गेंद में तो फिनिश है मैच, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 तो। कम ऑन, 1 बॉल 1 बॉल 1 विकेट 1 विकेट, कैच 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 6। 20 बॉल बची थी, यहाँ पे पूरन ने पूरा कर दिया अंत तक, और शाहरुख खान भाई अंत में हीरो ही बन के निकले। ये है वो विनिंग शॉट, देगा इस मैच का विनर। अनसोल्ड वर्सेस एक्सपेंसिव में भाई टिक मार्क लगता हुआ पहला एक्सपेंसिव के पास, 7 विकेट की जीत आई एक्सपेंसिव आईपीएल 11 के नाम। दिखा दिया कि क्यों इनको आईपीएल में इतने बड़े बड़े रकम, 15 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ देके बाय किया है लोगों ने, और क्यों अनसोल्ड रह गए। एट इस गेम में भी यही हाल रहा है। समरी कुछ इस तरह से है, अगर आप अनसोल्ड में देखते हो तो रैना ने अच्छा खेला है गेंदबाजी में, मिश्रा ने अच्छा, ये 2 प्लेयर सबसे सही रहे हैं, मिश्रा और रैना। बाकी एक्सपेंसिव प्लेयर को तो पड़ी नहीं है भाई कि वो अच्छा खेले ख़राब खेले, रियल लाइफ में तो सेट है। बाकी अगर अनसोल्ड में देखते हो तो रैना और मिश्रा के ऐसा लग रहा है कि चांसेस अच्छे हैं अगर खेलते तो शायद। तो कुछ ऐसा ही रहा है हमारा आज का मैच। मैं फिर बता दूं, अगला राउंड आप लोगों के लाइक गोल पे डिपेंड करेगा, लाइक चैलेंज पे डिपेंड करेगा। 1500 छोड़ के जा रहा हूँ, कर देना तो दूसरा तीसरा मैच खेलेंगे हम लोग, मतलब दूसरा खेलेंगे। उम्मीद करेंगे कि अनसोल्ड ही बन के खेलने वाले हैं हम लोग, तो उम्मीद करेंगे कि जीत पाए और जीत जाए, 1-1 से बराबर करें, नहीं तो सीरीज जाएगा क्योंकि ट्रॉफी सेलिब्रेशन भी है। इसी के साथ ले रहा हूँ विदा, रखिए ध्यान, खुश रहिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड डे, टेक केयर, शुक्रिया।